गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका सक्सेस मंथ चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर वन का पॉइंट नंबर वन जो हम कर रहे थे, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप। इसमें हम लोग कर रहे थे मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ। दो क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास में ये शैली खत्म हो जाएगी और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शैली है। एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पर होशाल शैली, विजयनगर की शैली और पाल शैली। तो चलिए देखते हैं। तो नागर शैली हम एक क्लास में कर चुके हैं प्रॉपर, ये सबसे बड़ी शैली है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन किया। फिर लास्ट क्लास में हमने द्रविड़ शैली, नायक शैली और बेसर शैली देखी थी। आप लास्ट क्लासेस में इसके प्लेलिस्ट में जाके जीएस पेपर वन के पूरा यहाँ देख सकते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जीएस 1, 2, 3, 4 चारों से रिलेटेड अब मैं यहाँ क्लास लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। 1 और 4 तो चली रही है हमारी, 2 भी आज से मैंने शुरू कर दी है। होयसाल शैली आज हम करेंगे, विजयनगर की कला के बारे में पढ़ेंगे और पाल शैली, यहाँ तीनों शैलियों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होयसाल कला। तो कर्नाटक क्षेत्र जो मैसूर के निकट है, वहाँ पर होयसाल कला का विकास हुआ है। होयसाल शासकों के अधीन जो मंदिर बने थे उस कला में होयसाल शैली के रूप में ज्ञात, अपने मतलब एक अलग पहचान इन्होंने विकसित की है, अलग विशिष्ट शैली विकसित की है होयसाल कला ने। इसमें बेलूर, हेलीवेड और श्रृंगेरी जैसी प्रमुख स्थल यहाँ पर इनका विकास हुआ है, विकसित हुए हैं यहाँ पर। और इनका जो विकास हम मेनली हम मानेंगे तो 1050 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी की अवधि के दौरान हुआ। तो इस कला में ये मेन मेन बातें थी, मतलब कि होयसाल कला क्या, आप अगर इंट्रो लिखोगे तो ये पॉइंट्स लेकर इंट्रो आप लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट हम इसकी वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो विशेषताएं थी, स्तंभों वाले केंद्रीय हॉल के चारों ओर अनेक मंदिर बनाए जाते थे यहाँ पर। इस जो केंद्रीय हॉल के चारों ओर एक अनेक मंदिर बनते थे, इनको तारा योजना के रूप में भी जाना जाता था, मतलब कि तारा योजना के रूप में उन्हें जाना जाता था। पंचायतन शैली के जो मंदिर होते थे, जैसे कि हमने बात की थी, पंचायतन शैली के मंदिर वो होते थे जिनमें एक मुख्य मंदिर और चार अनेक अलग अलग मंदिर होते थे, तो इसे तारा योजना होयसाल शैली में कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो मुख्य निर्माण सामग्री होती थी वो बनाई जाती थी मुलायम बलुआ पत्थर से। जो मुलायम बलुआ पत्थर होते थे उनसे ये जो मंदिर हैं उनका निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट, मंदिरों के अलंकरण पे बहुत बल दिया जाता है, ये नहीं कि उन्हें सिंपल छोड़ा जाता था, उनकी साज सजावट, नाक नक्शे, इन पे ज़्यादा बल दिया जाता, उनकी दीवारों पे बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी भी की जाती थी, तो इस पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस किया जाता था। और सभी कक्षों की जो मंदिर की दीवारें हैं और सीढ़ियाँ हैं वो जिगजैग पैटर्न में बनी थी, मतलब इस टाइप में वो सीढ़ियाँ और दीवारें इस टाइप में उन लोगों को सजाया गया था, बनाया गया था। तो ये मेनली 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप होयसाल कला के अंतर्गत विशेषताओं के रूप में लिख सकते हो। अब अगर उदाहरण देना चाहोगे आप तो यहाँ पर दे सकते हो, हेलीबिड में होयसलेश्वर मंदिर है और वेलूर में चंदकेश्वर मंदिर है। तो अब यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ बीच में एक मेन मंदिर है जो पंचायतन शैली के जो अधीन आता है। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5 पांच स्तंभों वाला यहाँ पर, पांच जो सहायक मंदिरों वाला यहाँ पर, देखिए इसे सहायक मंदिर कहते हैं, बीच में जो स्तंभ का हॉल उसे कहते हैं, तो इसे तारा योजना इसीलिए कहा जाता है। तो आप इसमें ये पिक्चर बना के तारा योजना के बारे में डिस्कस अच्छे से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विजयनगर शैली की। तो विजयनगर शैली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी, तो इस शैली की राजधानी हम्पी को माना जाता है। और इसकी जो स्थापत्य शैली है वो बीजापुर की इंडो इस्लामिक शैली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। तो इसके बारे में यहाँ पे हमने देखा, तो जैसा कि हमने बात की, इसकी स्थापत्य जो शैली थी, जिस शैली में ये मंदिर बनाए जाते थे, ये बीजापुर की जो इंडो इस्लामिक शैली वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी, प्रभावित थी। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी।
मंदिर की वास्तुकला की विशेषताएं क्या थी विजयनगर शैली की? तो यहाँ मंदिर की दीवारों पर अत्यधिक नक्काशी की जाती थी और इसे ज्यामिति ज्यादातर सजाया जाता था, मतलब त्रिकोण टाइप की आकृति हो गई, सर्कल जैसी आकृति हो गई या चतुर्भुज टाइप की आकृति हो गई, इनके अंदर नक्काशी मेनली की जाती थी। गोपुरम जो है इसमें जो मुख्य द्वार है वो सभी तरफ बनाए जाने लगे, क्योंकि मेनली जो हमने देखा कि गोपुरम एक मुख्य द्वार एक ही तरफ होता था, विजयनगर में ये चारों तरफ हर जगह बनाए जाने लगे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंदिर के परकोटे जो होते थे वो बड़े बनाए जाने लगे थे इसमें, और जो शैलियाँ हैं उनसे हटकर मंडप यहाँ एक से अधिक बनाया जाता था, मतलब और शैलियों में हमने देखा कि एक मुख्य मंडप होता था, तो यहाँ एक से ज़्यादा मंडप विजयनगर शैली में बनाए जाते थे। और यहाँ पर एक मुख्य विशेषता, आप इसको लिखना बिल्कुल मत भूलेगा, इस शैली में धर्मनिरपेक्ष इमारतों की अवधारणा का प्रारंभ हुआ, मतलब कि कुछ इमारतें ऐसी थी जहाँ विशेष धर्म का महत्व नहीं दिया जाता था, किसी भी धर्म के लोग आके वहाँ पर पूजा आराधना कर सकते थे। जैसे यहाँ विट्ठल स्वामी मंदिर और लोटस महल, ये मुख्य है यहाँ विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर हैं, आप यहाँ देख सकते हो, यह विजय लोटस महल जो है वो हम्पी में स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे हम पाल शैली की। तो मुख्यतः यहाँ पे मैं आपको यहाँ जो पॉइंट्स दे रही हूँ ये आप इंट्रो में लिखोगे, फिर विशेषता को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करोगे। जितने मैंने पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंटर्स को आपको अपने ही शब्दों में पूरा अच्छे से एलैबोरेट करना है, डिस्क्राइब करना है। तो बंगाल क्षेत्र में पाल शैली विकसित हुई थी, जैसे कि पाल और सेन राजाओं के बारे में आप जानते हो कि इनका जो उद्भव हुआ था मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, तो पाल शैली जो है वो बंगाल के क्षेत्र में विकसित हुई थी और पाल और सेन वंश के राजाओं के संरक्षण में 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इसकी अवधि के दौरान ये शैली का विकास हुआ था। तो इंट्रो में इतनी लाइन बहुत है आपके लिए। अब चलिए इसकी स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो भवनें थी उनकी छतें थी वक्राकार या ढालू टाइप की थी, इस टाइप की छतें बनाई जाती थी। टेराकोटा ईंटों के रूप में, ईंटें जो हैं वो टेराकोटा की मिट्टी की बनी होती थी और वो पकी हुई होती थी, और मुख्य मिट्टी जो है वो मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में यहाँ पाल शैली में प्रयोग की जाती थी। आगे इसमें देखते हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में अलंकरण के साधन के रूप में सुलेखन का उपयोग किया जाता था, मतलब कि यहाँ भी इंडो इस्लामिक जो शैली है उसका यहाँ पे ये प्रभावित थी, वहाँ से यूज़ किया गया। और अलंकरण के लिए अरबेक्स विधि का भी, ये जो कि बाहर से प्रभावित थी, इंडिया के बाहर की ये विधि थी, इसका भी प्रयोग किया जाता था। भवनों में जाली का जटिल काम किया जाता था, छोटी छोटी नक्काशियाँ, बहुत ही बारीक बारीक नक्काशियाँ यहाँ पे की जाती थी। और मेन पाल जो शैली की मुख्य विशेषता थी वो थी कि इसके आंगन में पूल बनाए जाते थे, फव्वारे होते थे या छोटी नालियों के रूप में निर्माण कार, मतलब कि पानी यहाँ पर मेनली यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, चार बाग शैली का प्रचलन भी पाल शैली में मुख्यतः माना जाता है। जब बाग बनाए जाते थे तो चार बाग शैली इस टाइप की होती है, ये यहाँ पे बीच में फव्वारा होगा, नालियाँ होगी, कुछ भी होगा इस टाइप में, और यहाँ 1, 2 और ये 3 और 4, यहाँ चार जो बाग टाइप है ये जगह खाली है, यहाँ चार बाग बनाए जाते थे। तो मेनली ये पाल शैली में भी देखने को मिलता है। पितरा ध्रुवा टेक्निक का उपयोग हुआ था, ये एक जड़ाऊ काम है जहाँ पे हम कह सकते हैं मोतियों, मणियों और रत्नों को लेकर यहाँ पर नक्काशी की जाती थी या उसको अलंकरण में यूज़ किया जाता था। भवनों में अग्रदर्श तकनीक का उपयोग, मतलब कि जैसे उभरी हुई आकृतियों का प्रयोग हम ज़्यादातर देखते हैं पाल शैली के अंतर्गत, जो आकृतियाँ होती थी वो उभरी हुई होती थी और दिखाई देती थी, जैसे 3D कह सकते हो हम, तो उस टाइप से आकृतियाँ यहाँ पर देखी जा सकती है पाल शैली के अंतर्गत। तो इतने पॉइंट्स बहुत हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो आज हमने ये तीनों शैलियाँ अच्छे से कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास में मैं सल्तनत काल की जो विभिन्न शैलियाँ हैं, अलग अलग राजवंशों की अलग अलग शैलियाँ क्या थी के एग्जाम्पल के साथ हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुगल कला और आगे मॉडर्न इंडिया में जो विकसित हुई शैलियों की वास्तुकला की, उसके बारे में धीरे धीरे जल्द से जल्द ये कोर्स कम्प्लीट करना करूँगी मैं। और मेंस के लिए जल्दी GS2 और GS3 भी शुरू करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।